कहाँ के कुदार हो, कहाँ के सात सुहागिन, माटी को रे जास हो। जी हाँ, इहे वो गाना हा जौन गाना से शुरुआत कइल जाला शादी विवाह के, और वही गाना के बाद से तमाम रीति रिवाज शुरू हो जाला। दरअसल ये उत्तर भारत के शादी विवाह के पारंपरिक गीत है, जे माटी कोराई के दिन गावल जाला। माटी कोराई वो कार्यक्रम होला जेकरा बाद से शादी विवाह के तमाम कार्यक्रम के शुरुआत हो जाला। नमस्कार रउआ सभी, देखा तानी नेक्स्ट टाइम भोजपुरिया, हम हई शशिप्रिया, एक बार फिर से हाजिर बानी अपन खास कार्यक्रम में। और एक कार्यक्रम में बात कर जाए भोजपुरी के तमाम समाज के, ऊ कार्यक्रम के जेकरा के कइल जाता गोरखपुर में, और ई एक कार्यशाला के माध्यम से कइल जाता, ताकि वहाँ के जौन अब के पीढ़ी बा ओकरा के ई शिक्षा दीक्षा देवल जा सके। यही कड़ी में भोजपुरी समाज आगे बढ़ते हुए एकरा के आगे बढ़ावे खातिर एक कार्यशाला के आयोजन कैले बा, और ये कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में बच्चा उपस्थित होके एकरा से भाव विभोर होता रहन। ये कार्यक्रम में पहुँच के एक कार्यक्रम में वो पारंपरिक गीत के लुत्फ उठावता रहन जेकरा सीखे खातिर उनका अपना घर पर मिल जाए, लेकिन वो घर पर अब वो वाला परिवेश ना रह गई, ओकरा वजह से अब कार्यशाला के सहारा लेवल जाता। और ये कार्यशाला के शुरुआत कई गई बा भोजपुरिया एसोसिएशन के द्वारा। दरअसल भोजपुरी एसोसिएशन एक ऐसन कार्यशाला बा जेकर शुभारंभ कई गई रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्षक पीठाधीश्वर के रूप में भी जानल जाले भोजपुरिया समाज में, और जब एकर शुरुआत भइल रहे तो खूब धूमधाम से एकर शुरुआत कइल गए रहे, फूल माला अर्पित करके दीप प्रज्वलित करके ए एसोसिएशन के शुरुआत कइल गई, और में तमाम भोजपुरिया समाज के बड़े कलाकार पहुँच रहे। चाहे हम बात कर ली भोजपुरिया समाज के स्वर कोकिला कहे जाए वाली ऊ गायक के, कि जकरा के सुने खातिर आज भी लोग के कान तरसेला, ऊ भी ओ गाना में पहुँचली और वहाँ पहुँच के और ओ कार्यक्रम के आगे बढ़ावे में सक्षम रहली, दीप प्रज्वलित कैली। तब हम रउआ सबके आगे बताएं कि कैसे ओ में मालिनी अवस्थी पहुँचली। मालिनी अवस्थी भी भोजपुरिया समाज खातिर कम नहीं थी, ऊ भी बहुत कुछ कैले बारी। और एकरा अलावा शारदा सिन्हा जो बिहार से बारी, ओहो वजह पहुँचली और उनकरा के भोजपुरी जगत के स्वर कोकिला कहल जाला। और तमाम लोग यहाँ पर पहुँच के एक कार्यक्रम के शुभारंभ कैले। ओकरा बाद कार्यशाला के जब शुरुआत भइल तो काफ़ी संख्या में गोरखपुर में बिहार और यूपी के बच्चन उपस्थित भइले, और उपस्थित होके ये गाना में सम्मिलित भइले। कैसे ये लोग गाना गावता और का कुछ सीखता रउआ सब एक खुद ही सुन ली। सुहागिन माटी कोरे जास है, लेकिन चूंकि अब परंपरा धीरे धीरे बदलत जाता, और चूंकि अब जो यहाँ के छोट छोट बच्चन बारन उनका पता नहीं है कि आखिर कितना सुहागिन के ए जोन कार्यक्रम होला शादी विवाह के ओमे शामिल कई जाला, तो ई लोग गावता लोग पांच सुहागिन, लेकिन पांच और सात सुहागिन औरतन के एमे शामिल कई जाला और एकरा के शुभ मानल जाला। तो शादी विवाह के जब दिन रोपल जाला तो सबसे पहले ओमे हल्दी कलश मरवा मटकोर होला, ओमे माटी कुराई के एगो परंपरा बा। जब
तमाम लोग घर के जितना महिला बारी बुजुर्ग बा लोग वो लोग सब लोग इकट्ठा हो जाला। मंगल गीत गावत जब निकले ला लोग तो ये पारंपरिक गीत गावल जाला और एक गीत गा के एक ऐसा जगह पर जाल जाला जहाँ पर कि माटी के खुदाई कर जाला। खाली खेत होके चाहे ऐसा कुआं जकरा पास कि माटी बहुत चिकना और बढ़िया साफ सुथरा होके ऊजा जाल जाला, काहे कि वही मिट्टी के ला के एक और कार्यक्रम होला ओ में रखल जाला। ओकरा के कहल जाला पितर देवता। तो उस जब पितर लोग के आगमन करवावल जाला कि आई लोग हमार जग देखी तो ओ घरी ई माटी के वो जा रखल जाला। वही से बहुत ही साफ सफाई से ऐसा जगह के चुनल जाला जहाँ पर कि गंदगी ना मात्र भी ना होके, तो वहाँ से माटी ले आके और एकरा बाद ई कार्यक्रम के आगे बढ़ावल जाला। तो उम्मीद बा कि रउआ सभे के ई गाना खूब पसंद आयल हुई। स्वर कोकिला शारदा सिन्हा के भी रउआ सभे देखनी, एकरा अलावा मालिनी अवस्थी के भी कि कैसे गोरखपुर में धूम मचैले बारी। इन तमाम लोगन से आज रउआ सब मिल लेनी यही कार्यशाला के माध्यम से। उम्मीद बा कि रउआ सभे भी ये कार्यशाला में शामिल होके, हम कहे कि अभी समय बहुत बाकी बा, अभी और आगे भी कार्यशाला चली तो बिहार झारखंड या गोरखपुर के जितना भी भोजपुरिया समाज के लोग बा उ सब में उपस्थित होके और सभी पारंपरिक गीत के सीखे समझे जाने और अपन परंपरा के आगे बढ़ावे, यही उद्देश्य बा नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया के। तो हमरा के दी इजाजत, लेकिन देखत रही नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया, हमार चैनल सब्सक्राइब करी, फिर से हम हाजिर होकर कुछ ऐसा गीतन के लेके जोरा से हो रउआ सबके भरपूर मनोरंजन। नमस्कार।